अच्छी बात ये है कि ऑलरेडी मैं भी BHU का GDPI दे चुका हूँ और मैं सेलेक्टेड रहा, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके बीच में जाने वाला है। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो बच्चे भी आने वाले समय में कई सालों तक BHU के किसी भी कोर्स में जिसमें GDPI होता है या प्रैक्टिकल होता है, वो इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वो हर एक चीज बताऊंगा कमोबेश, जहां से आपके सिलेक्शंस की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती है और जहां से आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इवन मैं ड्रेस कोड भी डिस्कस करने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी इंटरव्यू पे क्या लेके जाना है ये भी डिस्कस करने वाला हूँ, और ये जो पूरा पैनल है ये पैनल कैसे काम करता है, ठीक है, इस पे भी हम लोग बातें करेंगे। सो प्लीज स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो चैनल है वो अपना 80 के कंप्लीट कर चुका है, अप्रॉक्स 81 के होने वाला है। इसमें सब्सक्राइबर बहुत तेज बढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस तेजी में आपका भी हाथ हो, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कोई भी जो आपका अपडेट है वो मिस ना हो सके। ध्यान दीजिएगा कि जब आप एग्जाम देने यहाँ पे आओगे अपना प्रैक्टिकल या इंटरव्यू, तो उस दिन मैं आपके सेंटर पे भी मिलूंगा आपके इंटरव्यू के लिए, ठीक है, आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी होगी, तो मैं चाहूंगा प्लीज आप मेरे से जुड़े रहिएगा, तो मुस्कुराते रहिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। BHU GDPI 2024, ये 2024 के लिए होने जा रहा है। अभी तक के जो भी चेंजेस हैं, जो कि कोविड के टाइम पे थोड़े बदलाव हो गए थे, कोविड के बाद चीजें बदली, तो बदले हुए रूप में जो हम लोग जानेंगे उस पर डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। आप लोग सबसे पहले तो अपना मेल चेक कर लो, आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, एडमिट कार्ड जो है ये दो तरीके से जाता है, ठीक है, एक तो आपके मेल पे जाता है, ठीक है, एक तो आपके मेल पे जाता है, आप जाके पहले अपना मेल चेक कर लो, दूसरा आपके पोर्टल पे जाता है, जो कि इस बार पोर्टल पे नहीं जा रहा है। इस बार कहाँ जा रहा है? इस बार उस ओनली मेल पे जा रहा है, तो प्लीज आप अपना मेल चेक करो, BHU अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपको एडमिट कार्ड या कॉलिंग लेटर जो है वो भेज रहा है, चाहे प्रैक्टिकल का हो चाहे GDPI को, तो ये डाउट अपना क्लियर कर लेना। आने वाले समय में हो सकता है पोर्टल पे जाए, तो ये वीडियो अगर 24, 25, 26 में लोग देखेंगे तो अपने हिसाब से समझ जाना कि एडमिट कार्ड कहाँ है, डाउनलोड कर लो। ये एक पैनल है, पैनल मतलब एक्सपर्ट होते हैं इसमें, बेसिकली इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, जो एक्सपर्ट्स की टीम होती है उसको पैनल कहते हैं, और ये लोग आपका GDPI लेते हैं और इंटरव्यू कराते हैं, ठीक है। ये जो नंबरिंग है ये आप लोग हो, एक्चुअली होता क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग MBA को ले लेते हैं, ठीक है, MBA को ले लेते हैं, MTTM को ले लेते हैं, इस तरीके से किसी भी कोर्स को आप ले लो, इसमें 100 बच्चे हैं सपोज, ठीक है, तो इन 100 को 10-10 में डिवाइड कर लेते हैं, ये लोग 10-10 में डिवाइड कर लेते हैं, इन 10-10 बच्चों को कुछ इस तरीके से ये लोग अरेंज कर देते हैं, इसमें 11 है सपोज की, इस तरीके से जैसे बच्चों की संख्या होती है, जैसे उनके पास रिक्वायरमेंट होता है, इस तरीके से लोग, ये GDPI का है, ये GD का है, ध्यान देना, ठीक है, PI नहीं है, ठीक है, PI इधर है, पर्सनल इंटरव्यू इधर है, GD है। तो GD में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बैठा के डिस्कशन किया जाता है, यहाँ पे एक सपोज की बॉक्स होता है, ठीक है, ये बॉक्स होता है और इसमें कई सारे टॉपिक पड़े होते हैं, ठीक है, कई सारे टॉपिक पड़े होते हैं, और इसी में से कोई एक स्टूडेंट, यहां से कोई एक स्टूडेंट जो है वो आता है और इसमें से कोई एक टॉपिक, एक पर्चा जो है वो निकाल लेता है, और वो पर्चा ओपन करके आपके बीच में बोल दिया जाएगा, जैसे इंडियन इकोनॉमी, लाइक इलेक्शन कमीशन, अभी करंट जो इलेक्शन हुआ है, कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि सबसे ज्यादा हीट हो, सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक में आता हो, करंट में हो, और वो आपके कोर्स से रिलेवेंट हो, ये जान जाना एक बहुत जनरल डिस्कशन होता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, मैं दो कैरेक्टर रोल करूंगा यहाँ पे। पहला मुझसे पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन अभी यहाँ पे वोटिंग कराया, बताओ कि इस पे क्या बोलना चाहोगे, तो मैं बोलूंगा अरे इलेक्शन कमीशन में वोट देने जाते हैं, वहां तो नाम ही कट गया था बहुत लोग का, बताइए वो लोग वोट नहीं दे पाए, कुछ लोग अपना फेस ढक के चले जाए, तो एक टॉपिक एक डिस्कशन। दूसरा लड़का दूसरे करेक्टर में आता है, डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग इस बार 97 करोड़ के आसपास जो है वो हमारे पास वोटर थे, और देखा गया कि रूरल एरिया में जो है वोटिंग का परसेंटेज 57 था और अर्बन में ये 60 के आसपास पहुंच गया। तो यहाँ पे मैंने भी बेनिफिट्स बताए एंड डिमेरिट्स बताए, मेरे पहले वाला भी करेक्टर बताया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, ये फैक्ट की बात कर रहा है और ये
इन बस ऐसे जनरल आंसर्स कर रहा है। तो जो पैनल के जो मेंबर्स होंगे, जो यहां बैठे हुए हैं, जो कमेटी मेंबर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, ये वाला जो कैरेक्टर था, जो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट बातें किया है, उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। बात समझ गए? तो ये दो चीजें मैं आपको रोल करके बता दिया हूं, आपको उम्मीद है कि समझ जाओगे। ये हर जगह फॉलो होगा, इसको और भी तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। जहां भी इस तरीके का डिस्कशन होता है, जनरली हम लोग जनरल आंसर दे देते हैं, लेकिन फैक्ट की बात करनी है। और मैं आपको एक यहाँ पे मैनिपुलेशन बताता हूँ, आप उल्लू भी बना सकते हो। लाइक फैक्ट जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट एकदम डेटा बोल दो, आप बस अंदाजा लगा के ही बोल सकते हो। जैसे हमारे उत्तर भारत में लगभग 60% के आसपास जो है स्टेट की लिटरेसी है, तो ऑन एन एवरेज आप स्टेट का अंदाजा लगा के बोल सकते हो 63%, 64%। जब रूरल एरिया की बात है, विजेस की बात है, तो आप अपने अकॉर्डिंग से डेटा बना सकते हो। अगर एकदम याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन माइंड में एक ब्लूप्रिंट भी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। ठीक है, यहां से लगभग आप 15-20 मिनट डिस्कशन, ये मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूं, बाकी 10-15 मिनट में भी यहां पर आराम से हो जाता है। ये डिस्कशन करने के बाद इंडिविजुअल एक एक पर्सन, जैसे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, वो आएगा किसमें? पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू में यहाँ पे एक या दो आदमी जो बैठे रहेंगे, और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ये बच्चे ही उठ के चले जाएंगे, एक को रोक लेते हैं, ऐसा भी होता है। और कभी कभी फिर अलग से यहाँ पे आप आओगे, जहां पे आपको अपना डॉक्यूमेंट लेके आना है, मैं अभी आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आपसे पर्सनल इंटरेक्शन होगा, सबसे पहले यही होगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन देना होता है, जिसका बकायदा आपको परफॉर्मेंस पता होना चाहिए। आप आराम से उसको दे लोगे, एकदम आराम से रिलैक्स होकर देना, क्योंकि उनको ही पता है कि आप किसी बहुत एक्सपर्ट आप भी नहीं हो। ठीक है, आप भी बस अप्रोच कर रहे हो, बस यही है कि आप कॉन्फिडेंट रहो और रिलैक्स रहो, बढ़िया से बातें करो बस। ठीक है, ज्यादा तेज नहीं, ज्यादा धीमा नहीं, हाँ अच्छे से बातें करो बस। और जो जो पूछे आप उसका आंसर करो, नहीं आता है तब बता करो, सर मुझे नहीं पता, बस बात खत्म। ठीक है, ये पीआई हो गया पर्सनल इंटरव्यू। ये डिस्कशन के बाद हम लोग आ जाते हैं ड्रेस कोड पे। वहां पे एक टॉपिक और है, जैसे कि मुझसे कुछ बच्चे बोल रहे थे सर जीडीपीआई का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, जो इस बाउल में मिलने वाला है। तो मैं कमिंग वीडियोज में, क्योंकि अभी आपके पास एक हफ्ते का समय है, कमिंग वीडियोज में मैं आपको प्रॉपर वे में एक पूरा टॉपिक लिस्ट जो है वो कम्युनिटी में डाल दूंगा, ये जो ग्रुप है डिस्कशन में होगा, ज्वाइन कर लो, उसमें डाल दूंगा, या फिर मैं वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है, अब हम लोग ड्रेस कोड पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मल, और मुझे लग रहा है कि लड़कियों के लिए कुर्ती सही है, मतलब माफी चाहूंगा, लड़कों के लिए तो पहली बात तो शर्ट पैंट बेस्ट है, ध्यान देना, कुछ भी मत पहन के चले आना, ध्यान देना कि इंटरव्यू के लिए आ रहे हो। तो इंटरव्यू वर्ड ही इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई तुम्हें थोड़ा सा फॉर्मल प्रेजेंटेशन देना है वहां पे। कुर्ती, मतलब अपने हिसाब से लड़कियां जानती हैं, डिसेंट सा कपड़ा पहन लेना बढ़िया, जिसमें आप खूबसूरत लगो, लड़का हैंडसम लगे, बस इतना ध्यान देना है, और वो किसी भी तरीके से भद्दा ना लगे, और सामने वाले को ये ना जज करने का मौका दो कि आपके पास आइडिया ही नहीं है कि आपको कैसे प्रेजेंट होना है। ठीक है, समझ गए? लड़का थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी सेट आउट करा लेना, ट्रिम करा लेना, या फिर क्लीन शेव करा लेना, जैसा, ये नहीं कि आजकल जो खूब ट्रेंड है बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा के, वो वाला ट्रेंड फॉलो मत करना यहाँ पे, बस इतना ही है। सूज वगैरह भी पहन सकते हो, चलेगा, मतलब एक इंटरव्यू का जो प्रॉपर लुक होता है उसको फॉलो करोगे तो अपने आप को अच्छा ही लगेगा। तो मैं तो कहूंगा कि एक अच्छा मौका है, कभी आपने दिया नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, तो बार देख के देखो, मजा ही आएगा, अच्छा ही लगेगा। बाकी मैं आऊंगा आप लोग का कैमरा में शूट करने, मैं देखूंगा कितने हैंडसम और खूबसूरत लोग लग रहे हैं, मैं आऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीवी, जो यहाँ पे लिखा नहीं है, आपका रिज्यूमे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब आप पीआई के पास जाओगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए इस वाले केबिन में, तो यहाँ पे लोग आपका सीवी सामने रखेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप सीवी जरूर ले लेना, एक फाइल ले लो, फाइल में सबसे ऊपर सीवी लगा लेना, फिर आप अपना एडमिट कार्ड लगा लेना, सीयूटी का स्कोर कार्ड लगा लेना, और ये फोटोज आप रख लेना अपने पास, पासपोर्ट साइज फोटोज 10-15 रख लेना, 10th एंड 12th का जो भी आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो रख लेना, और यूजी का जितना भी रिजल्ट आपके पास अवेलेबल है, कुछ लोग पास आउट होंगे तो वो अपनी डिग्री वगैरह भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और दो दो कॉपी सबका रख लेना, दो दो कॉपी जीरोक्स करा के एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, विथ ओरिजिनल, एक फाइल ओरिजिनल की बना लेना, लेकिन ध्यान दो कि जब इस बार घर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके निकल रहे हो तो मस्ट है कि आप सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ ही आए, वैसे ओरिजिनल का यहाँ पे कोई सीन नहीं है, लेकिन वहां पे देखो लिखा रहता है एडमिट कार्ड पे, आप एडमिट कार्ड पढ़ लेना ना, इसमें जो जो डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा वो जरूर लेके आना, ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता दिया आपको, बाकी उसमें चीजें जो है ऑलरेडी लिखी है, डिसेंट लुक होना चाहिए, फलाना डिमकाना, ये सब
सब, जैसे कि इंटरव्यू के टाइम पे ये नहीं कि अपना रिंगटोन चालू करके रखो, कोई फोन कर रहा है ठीक है, मोबाइल वगैरह साइलेंट होना चाहिए, ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप दिमाग में बैठा के रखना हो गया। और आपके पास ना कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह हो रिलेटेड, जैसे अब आप किस परफॉर्मिंग आर्ट में जा रहे हो तो वहां के लिए आपके पास कोई सिंगिंग का बढ़िया सर्टिफिकेट हो अच्छे लेवल का हो, उसी तरीके से आप इन सब कोर्सेज में अगर आ रहे हो और आपने कहीं से बढ़िया डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह कर रखा है तो ये अपनी फाइल में लगा देना ठीक है। और आप चाहोगे तो जैसे पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है तो वहां पर अपने टॉपिक को चेंज कर सकते हो, जैसे आप होता है ना क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, अगर आप बोलते हैं कि नहीं हमने इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है तो वो क्वेश्चन वहां से पूछने लगेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इंटरव्यूअर का माइंड भी आप घुमा सकते हो अगर थोड़ा सा आप में काबिलियत है तो, क्योंकि जैसे आपको पता है कि आप स्पोर्ट्स रिलेटेड आंसर दे सकते हो तभी आप स्पोर्ट्स की चीजें इसमें लाना कि हाँ मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो इंटरव्यूअर क्रिकेट खेलना पसंद है बोलोगे जैसे ही ना तुरंत वो एक दो क्वेश्चन क्रिकेट से पूछ देगा, फुटबॉल बोलोगे तो फुटबॉल से क्वेश्चन पूछ देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है ठीक है, आराम से बहुत रिलैक्स हो और आराम से दे लो कि कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, होपफुली आपका ये डाउट जो है पूरा ठीक है। इसमें जो कमोबेश रह जाएगा वो मैं आपके जो ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, वहां से आप डिस्कस कर लेना। हर हर महादेव, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।